और कभी कभी क्या होता है कि जिस व्यक्ति जो एक अच्छा कलाकार होता है, जैसे सिनेमा इंडस्ट्री है, सिनेमा इंडस्ट्री में जो बहुत उम्दा कलाकार है उसको सबसे कठिन रोल दिया जाता है। जैसे जीवन में परमात्मा उन्हीं लोगों को कठिनाइयाँ देता है जो उसको ठीक से निभा सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। जो उससे सदमे में चला जाएगा, जो उस बात को सुनते ही सुसाइड कर लेगा या किसी तरह की और बातें सोचने लगेगा, उसको वो रोल कभी नहीं मिलता। तो अगर इससे इसका माइनस पॉइंट तो ये है कि थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा सा आपको एक अभाव है, थोड़ा सा एक अंदर मन में उद्वेग है, लेकिन एक प्लस पॉइंट एक ये है कि आपकी पर्सनैलिटी नर्चर हो रही है। आप दुनिया को देख रहे हो, रिलेशनशिप को देख रहे हो, नहीं तो उतना ही तुम भी उतना ही ओढ़ो ना जितने की जरूरत है। कहते महान भी बनने की जरूरत नहीं है फिर, जैसे अब जैसे नहीं, फिर इसका एक तरीका ये भी होता है कि क्योंकि कभी कभी पात्र और सुपात्र भी चयन करना चाहिए, हम किसकी हेल्प कर रहे हैं ये भी हमें सोचना चाहिए। तो फिर आप थोड़ा सा आप दो कदम पीछे हट जाओ, अभी गुरुजी मैंने आप उतने महान बनो ही नहीं फिर आप। अब जो अगर उसका भाई का दायित्व आपके पिताजी पर है तो उनको ही निभाने दें या ना निभाएं। आप थोड़ा सा आप आंखें बंद करो ना, आप थोड़ा सा पीछे हटो। इस पीछे हटने से नुकसान नहीं होगा, आप उनके अंदर आत्मबल पैदा करेंगे। गुरुजी वो उसकी भी नहीं करेंगे या करेंगे तो इतना कूस के करेंगे ना। तो इसके दो तरीके हैं, देखो एक तो ये डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट, या तो करो और भूल जाओ, सबसे बेस्ट तरीका तो वो है। फिर मन में रिग्रेट भी ना रखो और शायद सोचो कि तुम्हें ये भी दायित्व ईश्वर ने ही दिया होगा, इसीलिए तो हमें उन परिवारों में, उन कुल में, उन घरों में ईश्वर जन्म देता है जहाँ कुछ संकट, कुछ संघर्ष पहले से ही लिख देता है। अब अगर ये आप जो पूजा पाठ जिन प्रक्रियाओं में अब आप आए हो, तो ये आपकी योनि, आपका जो गण है, आपका जो जन्म है, वो ऐसा निश्चित होता है। अब सपोज करिए अगर तुम यहाँ ना जन्म लेके तुम अगर राजीव गांधी का जन्म लेती, तुम्हारा आधी चीजें तो जन्म लेती खत्म हो गई, 90% चीजें तो पहले ही दिन खत्म हो गई। तो ये जो चुनाव है कि हम कहाँ जन्मे, ये हमारे प्रारब्ध भी इसमें काम करते हैं, बड़ा माइन्यूट विज्ञान है ये। तो पिछले जन्म में जब आप पिता थी और आपने अपने पुत्रियों के लिए जो नहीं किया या पुत्र के लिए नहीं किया, ये सारा लौट कर भी वापस आता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी रही हो कभी आप भी, हाँ, जो फिर आप अपना हिसाब चुकता तो करते। फिर ये तो रूल गलत है ना। कैसे? मतलब जिस चीज का आत्मबोध हमको इस जन्म में है ही नहीं, तो उसकी सजा आज क्यों? या तो बताना चाहिए भगवान जी को कि पिछली बार ये करके बता तो रखा है सारा कुछ, हम मुझे मान कहाँ रहे हैं? जैसे इस जन्म में नहीं, इस जन्म में आपको बता रहे हैं फिर भी हम कहाँ कर रहे हैं? जैसे इस जन्म में आप इसे रिमूव कर सकते हो, इस स्लेट को पूरी तरह कोरी कर सकते हो, इस पन्ने को एकदम अनलिखा कर सकते हो, एकदम ब्लैंक कॉपी बना सकते हो, लेकिन हम कहाँ कर पा रहे हैं? जी हमारी तब भी नहीं था। रिवर्स रही है, लोग पढ़ के कमाते हैं, हम कमा के पढ़ रहे हैं। पर ऐसे ही लोग बढ़े हैं जीवन में, ऐसे ही लोग जीवन में बढ़ते हैं। इससे जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी ना, वो आप सोच नहीं सकते हो, वो स्पून फीडिंग से नहीं होती। नरेंद्र मोदी ने 20 साल मांग कर खाया है, झाड़ू लगाई है, सब काम किया है, गणित शिक्षक रहे हैं सारा काम, और वो जहाँ से उन्होंने वो किया मैं सब उसको जानता हूँ, उसकी वो पर्सनैलिटी में आ रहा है और वो फिर नेतृत्व में बाकी चीज़ों में भी जा रहा है। अगर वही चीज़ हम देखें राहुल गांधी, एक उदाहरण के तौर पर, वो चीज़ वहाँ लैक है क्योंकि वो स्पून फीडिंग है, हर चीज़ अवेलेबल है। प्रतिभा चुनौतियों में और अभावों में परिष्कृत होती है, टैलेंट हमारा दुखों में और परेशानियों में निखरता है। हम प्रतिभा हमारी उतनी ही ज़्यादा विकसित होती है जितना हमारे जीवन में संताप और संघर्ष होते हैं। अगर ये ज़रा भी ना हो तो हमारी वो ना हो सकेगी कभी। एक बूढ़ी औरत, वो जब भी फसल लगाए उसकी फसल ठीक ना हो, वो खड़ छत पर जाकर चढ़ करके भगवान को वो उल्टा सीधा बोले, उसको शिकायतें करे कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, अभी बारिश करा दी, अभी ओला गिरा दिया, अभी धूप निकाल दी, ये कर दी, वो कर दी, हर बार जाके ऐसा कर दी, बोले मुझे इतनी फसल पैदा करती, मैं तो इतना अनाज उगा देती। एक दिन भगवान जी को लगा इसके सुन ही लेता हूँ, अपना आगे खिड़की खोल के बोले क्या कह रही है बता। बोले मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें कोई मैनेजमेंट नहीं आता कि फसल वसल कैसे होती, तुम्हें किसानी का कोई अनुभव नहीं है, मेरी पूरी 4 पीढ़ियाँ किसानी कर रही हैं, मुझे पता है कि कौन से अनाज कैसे होता है क्या होता है। बोले तुम क्या चाहती हो? बोले मैं चाहती हूँ कि जब मैं चाहूँ हवा चले, जब मैं चाहूँ बारिश हो, जब मैं चाहूँ धूप निकले, जब मैं चाहूँ ओला गिरे, सब कुछ मेरे उस अनुसार हो तो मैं बहुत अच्छी फसल पैदा कर सकती हूँ। परमात्मा ने कहा 1 साल के लिए तथास्तु। अब उसने अपनी फसल लगाई, अब उसने अपनी हवा चलाई, जब उसे लगा, जब धूप निकाली, जब कुछ किया, फसल बहुत बड़ी हुई, बालियाँ भी डबल साइज की हुई, सारा गाँव देखने के लिए आया, उत्सव मनाया गया, शाम को सब लोग इकट्ठे हो गए, जब बालियों का ढेर लगा और ढेर लगने के बाद में जब वो बालियाँ छीली गई, गेहूं का दाना ही नहीं था, तो फिर उसने परमात्मा को कोसना शुरू किया, फिर आ गए खिड़की खोल के बोला अब क्या, अब तो तेरा मैनेजमेंट था, अब तो तूने अपने हिसाब से हवा निकाली, अपने हिसाब से पानी डाला, अपने हिसाब से धूप निकाली, सब कुछ तो किया।
पुलिस में वो अनाज तो है ही नहीं, पुलिस की गारंटी मेरी नहीं थी। वो तो संघर्ष में प्रतिफलित होता है, दाना बनता है विपरीत परिस्थितियों में, जब आंधी ये जो तेज हवाएं चलती हैं पेड़ों की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, जब ये ओला पड़ता है तो इनके जीवन के विकास में क्रम देता है, जब ये बाढ़ें आती हैं तो मजबूत पेड़ों की जड़ों को और मजबूत बना के जाती हैं। तो ये प्रकृति का पूरा वलय हमारे जीवन को नर्चर करता है। तो ऐसे लोग जो बहुत अच्छे अपनी ही हवा से पले हैं, अपनी ही धूप से पले हैं, अपने ही पानी से पले हैं, उनकी बाली में दाना नहीं होता। दिमाग तो होता है, खोपड़ी तो होती है, उसमें दिमाग नहीं होता। तो गुरु जी, इसमें एक बात ये आती है कि अब हम उस कम्युनिटी से बिल्कुल ही अलग हो गए हैं, समाज से ही बिल्कुल अलग होते हैं, उनके लिए हम पागल हैं, हमारे लिए ये तो होता है। ये तो होता है। अब आप जब देखिए, आपका अभी तो आप एक काम और होगा, जो हमारे आर्यन समुदाय में जिन चीज़ों को आप फॉलो करने लगे हैं, अब आप और पृथक हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया आपका सोच आपके, क्योंकि आप इल्यूजन में कन्फ्यूजन में अपना टाइम खराब ही नहीं करेंगे। मिरेकल गुरु जी, ऐसा हो रहा है कि मतलब ऐसे ऐसे लोग जो हमें पता है, पहले वैसे ऐसे रिश्तेदार जो हमें पता था कि ठीक है इनके हायलो रखना ज़रूरी है, हमें पता है वो कैसे, ना कोई बात ना कोई कुछ, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गए। वो वैसे भी होता, देखो अभी तक आप क्या थे, आप एक बुहारा हुआ गेहूं थे, उसमें घुन भी था, उसमें पत्ती भी थी, उसमें जौ की बाली भी थी, उसमें मिट्टी भी थी, उसमें रेत भी था, सब कुछ था। अब उसे फटक दिया, अब आपने जब उसे फटक दिया तो अब तो आप अलग होने ही, आपको आप जो शुद्ध हम लोग डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। हाँ तो क्या बुराई है इसमें, आप लोगों से डिस्कनेक्ट होंगे इसलिए कि परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं, आप सही ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, और उसका कोई रिग्रेट भी मत रखो। दुखी होती है किन्हें? मम्मी बहुत दुख होती है कि हमसे तो हाँ, हमें दुख नहीं है, चीज़ हमें नहीं है, हमें दुख नहीं है, नहीं। लेकिन क्या कम्युनिकेशन किस वजह से तोड़ना शुरू किया कि आपने? नहीं, अपने आप ही, हमने नहीं तोड़ा किसी को, मतलब अपने आप ही डिस्कनेक्ट जीवन का, ऐसा नहीं कि इसका रिग्रेट है, ऐसा भी नहीं है। और ये जीवन परिवर्तन का है, जीवन का अर्थ ही परिवर्तन है, और हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है, कभी भी हम एक जैसे नहीं होते। अब आप जब 4 साल के थे तो तुम गुड़ियों से खेलती थी, तुम 5 साल के थे तो गुल्ली डंडा खेलते थे, अब तुम कहो कि खेल तो बहुत अच्छा था, मैं अभी भी खेल लूँ, अब ना खेल सकोगे जी। वो एक समय था तब उसके, और तब आप छोटी सी बॉल के लिए मचल रहे थे, अब दूसरी कार के लिए मचल रहे हो, बच्चा तो मन में अभी भी है, लेकिन वो चीज़ें बदलती चली जाती हैं। तो अच्छा, अपनी तरफ से कभी ज़्यादा रेखा ना खींचो, अपनी तरफ ज़्यादा बैर ना पैदा करो, कभी मुद्दा ना बनो, लेकिन निरर्थक बोझा भी ना ढो। समथिंग बेटर देन नथिंग, बट नथिंग बेटर देन नॉनसेंस। बिना मुद्दे के, बिना लड़ाई के लोग डिस्कनेक्ट हो रहे, और फुटफॉल बहुत कम हो गया, तो कोई अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। हाँ, कोई फायदा नहीं। बहुत लोग आपके साथ हों, वही जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हम देखिए, मैं दिल्ली में रहता था, 20 साल में दिल्ली में रहा, यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, सब काम किया, एक प्रोफेशनल व्यक्ति के रूप में भी बहुत ऊँचाइयाँ हमने, परमात्मा ने हमें दी। मैं जंगल में इसलिए आया कि मुझे फुटफॉल से बचना था, मुझे भीड़ से बचना था, क्योंकि भीड़ है भेड़ों की, सारे दिन समय व्यर्थ करते हैं उनको, तो उनका जीवन तो उनके पास पता नहीं कितने वर्षों का है या क्या है, हमारे पास तो बहुत लिमिटेड समय है। लाइफ इज टाइम और टाइम इज लाइफ। अगर उसे ऐसी फालतू की पंचायती में आप व्यर्थ कर देंगे तो आप महत्वपूर्ण काम ना कर सकेंगे। तो हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपनी तरफ से सबसे संबंध अच्छा रखना चाहिए, लेकिन फालतू का बोझा भी नहीं ढोना चाहिए। फिजूल के जो लोग हैं वो भी कोई खास काम नहीं करते। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव कर्णं अरमस्तु, आर्यं शरणं शुभमस्तु।